आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे इरेजर टूल के बारे में, जिनके तीन टूल दिए हुए हैं। एक पहला है इरेजर टूल, एक है बैकग्राउंड इरेजर टूल, और थर्ड पे है मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम क्या होता है, जैसे एग्जांपल इज हम एक फ़ोटो गूगल के ज़रिए ले लेते हैं, वेक्टर इमेजेस। और कल मैंने ये भी बताया था और एक और बैच में बताया था कि पहले आप क्लियरिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले इमेजेस पे सिलेक्शन होता है, इमेज पे जाने का सीधे टूल पे जाइए, यहाँ पे पैनल खुल के आएगा। साइज लार्ज, अब इससे क्या कन्वर्जन हो जाएगा, सारे के सारे फोटो कैसे आ जाएंगे, लार्ज आ जाएंगे। अब एक फोटो ले लेते हैं, इरेजर कैसे काम करेगी। तो मैं एक फोटो लेता हूँ, सडनली ये सारी फोटोज बड़े बड़े लार्ज पिक्सल में होंगी, इसीलिए ही आएंगी। एक फोटो को सिलेक्शन कर लीजिए, इसको चलने दो, अभी क्लैरिटी में नहीं आई है, क्लैरिटी में आ गई। राइट क्लिक, सेव इमेज, डेस्कटॉप, देन सेव। देन इस फोटो को उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप फोटोशॉप में कर देंगे। अब इसी फोटो के ऊपर सीख लो इरेजर टूल कैसे काम करता है। सबसे पहले थोड़ा जूम करेंगे, फोटो के पास जाएंगे, उसके बाद इरेजर टूल पे टैप कर देंगे। उसके बाद साइज बढ़ाना या कम करना वही पुराना तरीका रहता है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके साइड साइड से डिलीट करना है ना। पहली बात तो इसमें अभी वाइट वाइट फिलअप आ रहा है। फिलअप क्यों आ रहा है, क्योंकि विंडो पे जाओगे जब लेयर प्रॉपर्टी को खोलोगे तो ये लॉक लगा हुआ है। अगर लॉक नहीं लगा होता है तो फिर ये व्हाइट का बैकग्राउंड जो कलर होता है ना, बैकग्राउंड वो ले लेता है। पर हमें ये डिलीट करना है ना बैकग्राउंड इसका। तो ये एक काम करो, अब तुमको मैंने कल सिखाया था, पहले वो याद दिला दूँ, यहाँ सिखाया था मैजिक पेन टूल। पहले इससे काम क्या लेते थे, पहले क्लिक करते थे, सिलेक्शन करता था और ये डिलीट करता था। पर यहाँ पे अब क्या पता चल रहा है कि ये मल्टीटास्किंग है। देखो पीछे इधर बैकग्राउंड मिक्सचर है, कोई एक सिमिलर बैकग्राउंड तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इरेजर टूल का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको देखते जाओ। पहले इसका लॉक खोलेंगे, लेयर का लॉक नहीं होगा तो फिर नहीं ये कटिंग होगी। इरेजर ले लेंगे, इरेजर मिटाने का ही काम करती है, तो ये मिटाएगी जैसे चाहोगे वैसे। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ डेमो, साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा चलाते जाओ, मिटाना स्टार्ट कर देगी ये। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये देखो। और जब एरिया यहाँ से कवर साइड साइड का हो जाए, अब बड़ा कर दो इरेजर का साइज, क्योंकि अब तो आउटसाइड का रह गया बस। ये देखो इसे तो ऐसे चला सकते हैं आराम से। और अगर अच्छी तरह से काटोगे फोटो को तो ये कटिंग हो जाएगी, ये पीएनजी बन गई फोटो जो मैंने पीएनजी सिखाई है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर भी एक चीज है, अब क्या करें इसका। देखो मैं पहले ऐसा पहले वापस लेके आता हूँ, कल टूल बताया था मैंने, हिस्ट्री ब्रश टूल से क्या होता है, वापस आती है फोटो, तो इससे सारी फोटो पूरी वापस ले आते हैं एक बार में, पूरी फोटो एक बार में बैक टू नॉर्मल। फिर एक काम करते हैं, इरेजर पे जाते हैं, बैकग्राउंड इरेजर को लेते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे बताया गया था कि मैजिक टूल वेन टूल ऐसे सिलेक्शन करता है जल्दी जल्दी से, तो ऐसे ही ये काम करेगा। बैकग्राउंड इरेजर मैं इसको कर देता हूँ, देखो ये रहा नीचे मैजिक टूल, इसका ये काम, ये डिलीट, सेलेक्ट जो करेगा वो डिलीट करता जाएगा जल्दी जल्दी। अब जो एरिया इसके साथ आया वो भी सिलेक्शन में आ गया, तो तुम्हें मैंने टॉलरेंस सिखाया हुआ है पहले। अगर ये कम होगा तो कम धीरे धीरे सेलेक्ट करेगा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा, ये चीज़ बताई गई ऑलरेडी। उसी के तरीके से एक और है बीच वाला बैकग्राउंड इरेजर, ये कैसे काम करेगा, ये भी कटिंग के लिए होता है। धीरे धीरे देखो अब यहाँ पीछे की तरफ कलर मिल जाता है, जब वो किसी पे भी क्लिक करता है, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करे, यहाँ क्लिक करे, कलर की तरफ देख, पीछे की तरफ देना, बैकग्राउंड कलर जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वो कटिंग के लिए बनाया गया है, पर कलर को उठाने के लिए। देखो क्लिक कर रहे हैं वो कलर आ गया, इसके चिक्स पे क्लिक किया वो उसका कलर आ गया, इसकी शर्ट पर क्लिक किया टी शर्ट पर वो भी कलर आ गया। तो मतलब जो भी कलर लेना है वो कलर हम ले सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर को प्रोटेक्ट करना है तो फिर हम ले सकते हैं। फोरग्राउंड कलर देखो सैम्पलिंग के लिए होता है बस, खाली ये बता देता हूँ उसमें। और कटिंग के लिए क्या बनाया गया, इरेजर। सैम्पलिंग के लिए क्या बनाया गया, बैकग्राउंड इरेजर। और जो जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके डिलीट करवाना है, मैग्नेट, मैग्नेट की तरह काम करता है मैजिक, जल्दी जल्दी सेलेक्शन में डिलीट करेगा अंदर का पार्ट। तो अभी देखो अब इसके अंदर काम क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एरिया का जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं डिलीट हो गया है,
ये एरिया भी डिलीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। और मैं बाकी का ये सब गार्बेज हटाना है, तो सीधे उठाओ रेजर पहले नंबर वाली, उसको डिलीट कर लो। तुम्हारा काम खत्म। अब तुम्हें फिनिशिंग चाहिए होगी ना काम में, तो इरेजर ही तो देगी। जो तुम्हारी कटिंग को दिक्कत दे रही है उसको वापस ले आना भी तुम्हें आता है, उसको भी वापस लाओ, पर थोड़ा सा कम कर दो और कर्सर कम करो, ऐसे करके वापस ले आओ। जो भी कटिंग में उसको दिक्कत दे गया था यानी कि वो डिलीट हो गया, उसको वापस ले करके आ जाओ। उसके बाद ये फिनिशिंग तुम्हें खुद देनी है कटिंग की, साइड साइड से इरेजर टूल ले लो और सीधे सीधे साइड साइड से उसको चलाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि ये तो यार मिटा ही नहीं, ये देखो हल्के हल्के तरीके से। और हमेशा बताया मैंने कैसे चलाओ उन्हें, हमेशा जूम करके, ऐसे करके, बिना जूम के तो कुछ नहीं होता फोटोशॉप में, क्योंकि जूम करेंगे तो अच्छी क्लियरिटी आ जाती है। देखो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि कहीं एरर है। वही कटिंग कटिंग उसी से हुई है ना, यानी इरेजर टूल से। और इसको उठा सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, पीएनजी वगैरह का जो तुम इरेजर से डिलीट कर रहे हो, इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस कहाँ जाएंगे सेव करने, कंट्रोल एस यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये फोटोशॉप जो दिया हुआ वहाँ पे पीएनजी ढूंढो बस। यहाँ पे पीएनजी कहाँ लिखा है, पीएनजी का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्राफिकल यूज है ये जहाँ पे पीछे का एरिया जो है ना वो गायब हो जाएगा, बस ये जो फेस वैल्यू वो रह जाएगी, पीछे का वाइट हो ब्लैक हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसे। पीएनजी का काम यही रहता है, और मैक्सिममली ये ज्यादातर कहाँ काम करता है, जहाँ कॉलाज बनते हैं, मग प्रिंटिंग होती है जगह जगह पे। अब देखो फोकस ऑन दैट, ये जो फोटो है मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये बैकग्राउंड इसका हट चुका है तो ये पीएनजी कहलाती है, और जिसका बैकग्राउंड आ रहा है वो जेपीजी कहला रही है। तो ये काम में कहाँ लेनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन का काम है वहाँ पे बैकग्राउंड का कोई काम नहीं। तो जहाँ पे आपको सिंगल पर्सन चाहिए तो वहाँ पीएनजी चाहिए, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड चाहिए वो जेपीजी चाहिए। तो जब आपको कटिंग की बात की जाए तो कटिंग खुद ही करनी पड़ती है, कटिंग करने के लिए कई तरीके बता दिए, लासो है, पॉलीवेलन है, मैग्नेट है, अगर उससे नहीं कर सकते और बैकग्राउंड एक जैसा है तो मैंने बताया था कि मैजिक वैन टूल को ले लो, मैजिक वैन टूल भी जल्दी जल्दी कटिंग कर देगा, पर बैकग्राउंड एक जैसा होना चाहिए। और इसी कटिंग में आज बता दिया इरेजर, इरेजर मिटाने का काम करती है। जल्दी जल्दी अगर कटिंग करनी है ना तो इरेजर को साइड से चला लो पहले, जल्दी जल्दी से आराम से जल्दी धीरे धीरे करा लो साइड साइड से, फिर बाकी का सब हटा दो जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसका काम क्या है, इरेजर को मिटाना काम करता है। साइड साइड से तो पहले हटा दिया धीरे धीरे करके, उसके बाद बड़ा साइज करके एकदम से सब कुछ हटा दिया, क्योंकि तो वो काम यही करके देगा। उसके बाद आता है ये ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट। ग्रेडियंट टूल कैसे काम करता है, जैसे एग्जाम्पल ये पीएनजी तो बन चुकी, अब मैंने डिलीट कर दिया, आपको एक लेयर लेनी है खाली की खाली, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से जो मैंने कल पढ़ाया था, और ओके कर देंगे, ऊपर की तरफ खाली लेयर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो भी काम करना है इसी के ऊपर करना है। ऊपर ग्रेडियंट बने हुए आते हैं, ये देखो सारे के सारे आ रहे हैं। पहला ग्रेडियंट जो होता है वो आपके कलर के ऊपर होता है, जैसे कि ये जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड कलर है उसको मिक्सअप करके इन्होंने खुद बनाया है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर सपोज करो एग्जाम्पल डिलीट कर दूँ, हटा दूँ, दूसरा लगा दूँ, मैंने लगाया रेड, देन ओके, तो रेड वाला कलर लग गया और ऊपर भी चेंज हो गया होगा पहला कलर, क्योंकि वो पहला बैकग्राउंड फोरग्राउंड को लेके चलता है साथ में। हम इसको सेलेक्ट करके ऐसे बना देंगे। पीछे की तरफ देखो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर उस पर मैच तो हो गया, पर मेरा जो लेयर था 0 नंबर वाला वो छिप गया है, तो हम उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे और इसके पीछे लगा देंगे। हम जो बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है सर, जो आपकी कटिंग हुई है उसकी कटिंग में कुछ रह तो नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे से एज रह जाते हैं। अब छोटे छोटे एज मैं दिखा देता हूँ कौन सा एज रह गया, ये देखो ध्यान से, ये एज अभी भी रह गया, ये एज अभी भी दिख रहा है, ये दिखा देता हूँ, ये देखो साइड में ये दिख रहा होगा, इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ तभी तो दिख रहा है, पीएनजी में दिख नहीं रहा है। अब अभी भी मौका है, अभी भी हमारे पास इरेजर है, अभी भी हमने लेयर तो अलग ही रखी है तो डिलीट कर सकते हैं, अभी क्या दिक्कत है। यही तो काम होता है कारीगर का, और क्या होता है इसकी डिजाइनिंग का। ये देखो अभी भी रह गया, अभी भी डिलीट कर सकते हैं, अभी भी हटा सकते हैं, ये हो गया फोटो। उसके बाद कुछ और बनाना है, जैसे इसके अंदर ग्रेडियंट और भी हैं और अच्छे हैं, ये ले लो ब्लैक एंड वाइट, देन ये अब फोटो के ऊपर चला दिया, लेयर नंबर 0 पे नहीं, लेयर नंबर 1 पे, तो पीछे की तरफ और ये चारों पांचों सब इफेक्ट दिए हैं। देखो दिखा देता हूँ जूम करके ऊपर की तरफ, सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। पहला इफेक्ट बोलता है लीनियर, दूसरा इफेक्ट बोलता है रेडियल, तीसरा इफेक्ट बोलता है एंगल ग्रेडियंट, चौथा बोलता है रिफ्लेक्टेड, और पांचवा बोलता है डायमंड। तो जो इफेक्ट लगाना है उस पर क्लिक करना और वही इफेक्ट डालना स्टार्ट, दिख रहा होगा
कभी किसी गॉड के पीछे देखा होगा लाइटिंग आती है और बाकी के सब लाइटिंग नहीं आती, तो वो भी ग्रेडियंट ही डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है एंगल ग्रेडियंट, ये नुकीला होता है। तो देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ऐसा नुकीले बनना रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन है उल्टा, और ये डायमंड वाला था, ये डायमंड वाला, ये ऐसे देखो। और इसमें भी तुमको मैंने सिखाया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया, ये इसके अंदर ऐड बन गया, छोटा छोटा सा ऐसे डिजाइनिंग इफेक्ट। उसके बाद आता है लास्ट पेंट बकेट। पेंट बकेट तो बहुत सिंपल होता है, अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना है तो फोरग्राउंड तो ये ऊपर वाला कलर होता है जो रेड कलर भरा हुआ है, क्लिक कर दो पड़ जाएगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर आपको पैटर्न बनना है तो पैटर्न पर टिक किया, पैटर्न आपको आता होगा कोई भी पैटर्न पहले सीखे हुए, क्लिक कर दो पड़ जाएगा, ये भी मैंने सिखाया हुआ। तो तीन टूल हो गए, इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, मैग्नेट, मैजिक टूल, और एक हो गया तुम्हारा ग्रेडियंट टूल और एक पेंट बकेट। ओके,